कौन है वो चार शंकराचार्य जिन्होंने किया राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार? आखिर क्यों नहीं जाएंगे वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में? शंकराचार्य हिंदू धर्म ग्रंथों के सर्वोच्च प्राधिकारी है और चार शंकराचार्य है उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात में। हालांकि चार में से कम दो शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन में उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि विपक्ष ने मानदंडों का पालन करने में विफलता और इस आयोजन में एक कथित राजनीतिक कोण की आलोचना की है। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ और उत्तराखंड के चमोली में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्यों ने राम मंदिर उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति जैसे कारणों का हवाला देते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक के श्रृंगेरी में शारदा पीठ और गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ के शंकराचार्यों ने अब तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इतने महत्वपूर्ण आयोजन में इन धार्मिक नेताओं की अनुपस्थिति ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसका उपयोग धार्मिक और राजनीतिक मामलों को अलग रखने पर अपने रुख को मजबूत करने के लिए कर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस ने अपने तर्क के सबूत के तौर पर शंकराचार्यों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया है। उन्होंने शंकराचार्यों के साथ इस धारणा पर सहमति जताई है कि मंदिर अभी भी अधूरा है और इसे प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। साथ ही धार्मिक नेताओं ने इस आयोजन के लिए 22 जनवरी की अशुभ तारीख पर भी प्रकाश डाला है। चलिए जानते हैं आखिर शंकराचार्य कौन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित चार शंकराचार्य हिंदू धर्म की अद्वैत वेदांत परंपरा के भीतर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार संप्रदायों के नेता है। प्रत्येक शंकराचार्य पर चार वेदों में से एक की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और व्यापक रूप से उन्हें धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने में सर्वोच्च प्राधिकारी माना जाता है। आइए सीधे सुनते हैं उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा। राम मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है ऐसा हमने सुना है और ये भी हमने सुना है कि अभी मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा तभी होती है जब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाता है। मंदिर अभी अधूरा है, उसमें प्राण डालना ठीक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और उसका जो शिखर होता है वो उनकी आंख और कलश उनका सिर होता है, जो झंडा होता है वो उनका बाण होता है। तो ऐसे में बिना सिर का, बिना आंख का मंदिर अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ये शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है और इसीलिए हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपके सामने अशास्त्रीय कार्य कैसे हुए। तो इसीलिए हम जो जिम्मेदार लोग हैं, विशेष करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसके जो सदस्यगण हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग इसका ध्यान दीजिए और कुछ निर्णय लीजिए। मंदिर पूरा हो जाए फिर बड़े विधि विधान के साथ, बड़े उल्लास के साथ प्रतिष्ठा की जाए। तो अभी चर्चा चल रही है, देखो क्या होता है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है सब कुछ शास्त्रों के अनुसार ही किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो कुछ यहाँ हो रहा है शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। और जितने भाग में रामलला को स्थापित करना है उतने भाग बन गया है और उनका सिंहासन बन गया है, उनके भवन बन गए हैं, उनके जो होता है ऊपर गुंबज वो भी बन गया है, सारी व्यवस्थाएं हो गई। आप दूर से देखें चाहे नज़दीक से देखें, पूर्णतया व्यवस्थित हो चुका है धरातल। एक भाग तीन भाग में बनना है तो एक भाग जब पूरा हो गया है और उसके उसके जो पूजा पाठ जो जिस प्रकार से होगी वो सब संपन्न होगा, तो इस प्रकार के सोचना और ऐसा कहना कि अधूरा है अधूरा नहीं है। जो भाग में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित होंगे वो पूर्णतया व्यवस्थित हो गया, बन के तैयार हो गया है, इसलिए साथ सम्मत है, साथ के विपरीत नहीं है। और यह जो कह रहे हैं कि एक बहाना बनाना है नए आने के लिए कि सास सम्मत नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, और सास के अनुकूल ही जितने भी कार्य हो रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र ही प्रमाण है। और सारे मंत्र यंत्र और अनुष्ठान जितने भी प्रारंभ होंगे वो सब के सब शास्त्र के अनुसार है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, शंकराचार्यों पर राजनीतिक विवाद ने वास्तव में भाजपा को शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा धार्मिक और धार्मिक के बीच विभाजन का आह्वान करने के बाद
कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी के रूप में बेरहमी से हमला करने का कारण दिया है।